पीलीभीत में दिनदहाड़े लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। दरअसल एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे के साथ बैंक से रुपए निकालकर घर वापस लौट रही थी कि स्टेशन रोड से दो अज्ञात युवक रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीलीभीत में लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के गांव दूधिया खुर्द केशरपुर में रहने वाले जितेंद्र सिंह की पत्नी बलजीत कौर भारतीय स्टेट बैंक से 60,000 रुपए लेकर अपने बेटे के साथ बाइक पर घर आ रही थीं। वो जैसे ही स्टेशन रोड पर पहुंची, वैसे ही दो अज्ञात लुटेरे बुजुर्ग महिला के हाथ से रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े लूट की इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आनन फानन में पूरनपुर सीओ ने कोतवाली पूरनपुर पुलिस के साथ वारदात स्थल का मुआयना किया। साथ हमने पैसा निकाला स्टेट बैंक से 60,000 रुपया। वो आके हम लोग स्टेट बैंक से चले तो सीधे रोड पर आए तो दो एक लड़का देखा हमने, वो हमारे हाथ से झोला छीन के भाग गया। SBI से 60,000 रुपये निकाल के झोले से जा रही थी तो रास्ते में ही दो किशोर उम्र के कम उम्र के लड़कों ने पैदल ही उनका झोला छीन के और एक गली में भाग गए। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। CCTV और अन्य वैज्ञानिक संसाधनों से स्थानीय सुदृढ़ सूचना तंत्र को विकसित करते हुए हम लोग तलाशी कर रहे हैं। वारदात स्थल के करीब दुकानों पर लगे CCTV में लुटेरों की फुटेज कैद हो गई। पुलिस CCTV के फुटेज के आधार पर लुटेरों को शीघ्र ही पकड़ने का दावा कर रही हैं। एनीवन न्यूज़ के लिए पीलीभीत से निजामुद्दीन राजन की रिपोर्ट।